अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे दमन का फेमस पापलेट मच्छी फ्राइड दमन मसाले से। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। आज हम बनाएंगे दमन पापलेट फ़िश फ्राई। तो सबसे पहले हम फ़िश फ्राई के लिए मसाला तैयार करते हैं दमन दमन मसाला बनाने के लिए थोड़ी सी हमने ले लिए कोथमीर, 20 से 25 हमने लहसुन की कली ले लिए है, 6-7 हमने हरी मिर्च ले लिए है, तीखा आपके ऊपर है, कम ज़्यादा कर सकते हैं, और 6-7 हमने कड़ी पत्ते ले लिए है हरे वाले। तो इसे हम डाल देते हैं, मसाले को हम ग्राइंड कर लेते हैं। दमन मसाला हमारा तैयार हो चुका है, मसाले को हम साइड पे रखते हैं। 500 ग्राम हमने ले लिए पापलेट मच्छी। तो मच्छी को अच्छे तरीके से हमने धो लिए है। इसमें थोड़ी सी पहले हम डालेंगे हल्दी पाउडर मच्छी के अंदर, नमक, एक नींबू का रस, अच्छे से मिक्स कर देते हैं हम। फिर हमने इसमें हल्दी लगा दिए है। अब इसमें हम दमन मसाला लगाएंगे। तो दमन मसाला डाल देते हैं 3 से 4 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच फिश मसाला, आधा नींबू का रस हमने पहले डाले थे, आधा भी डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अच्छे से मिक्स कर मसाला लगा देते हैं, अंदर तक लगाना है तभी खाने में मच्छी अच्छी लगेगी। अच्छे से हमने मिक्स कर दिए है और मच्छी को 10 मिनट के लिए रख देते हैं। अच्छे से मसाला कोटिंग हो जाएगा, उसके बाद इसे हम फ्राई करेंगे। 10 मिनट हो गए हमें मच्छी को मसाला मिलाकर रखे हुए। तो इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल मच्छी को फ्राई करने के लिए। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें मच्छी को फ्राई करना है। तो 1 मिनट तक हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर मच्छी को फ्राई कर लेते हैं। 1 साइड हमारी मच्छी पक चुकी है, तो अब इसे हम अच्छे से पलट देते हैं। अच्छे से हमारी मच्छी फ्राई हो चुकी है दोनों साइड, तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। अच्छे से हमारी मच्छी फ्राई हो चुकी है, इसे अब हम निकाल लेते हैं, और जो दूसरा है उसे भी हम इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। तैयार हो गया दमन पापलेट मच्छी फ्राई।